और यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख साहब, और यहाँ जितने भी हमारे बीच में सम्मानित कार्यकर्ता मौजूद हैं, आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारा इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ पर इस्तकबाल किया, स्वागत किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये जो दिन है, ये यहाँ पर बैठे जितने भी कार्यकर्ता हैं पार्टी के, सभी के खून पसीने की मेहनत, कड़ी मेहनत, कई दिन तक, 7 चरणों तक जो मेहनत चली है, उसके बाद हमें ये अवसर मिला है कि आज हमारी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो आप सभी को बधाई उसके लिए। कोई भी पार्टी बिना विचारधारा के जिंदा नहीं रह सकती, और समाजवादी पार्टी की जो समाजवाद और पीडीए की विचारधारा है, आज उसी के बदौलत आप और हम इतने मजबूत हुए हैं कि देश की विपक्ष की राजनीति को पार्टी ने मजबूती देने का काम किया, विपक्ष को मजबूती देने का काम किया, और एक उम्मीद जगाने का काम किया कि अब बात होगी तो काम की होगी, कतार में खड़े सबसे पीछे खड़े व्यक्ति की बात होगी, उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और आप लोग महाराष्ट्र में, आप लोगों ने पार्टी की नींव को और विचारधारा को जिस तरीके से अपने खून पसीने की मेहनत से सींचा है, ये देखकर आज हमें खुद देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में यहाँ से कई सौ किलोमीटर दूर है, राजनीति में सक्रिय रहती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने उसकी विचारधारा को जिंदा रखा, अपने खून पसीने की मेहनत से सींचा। तो मैं पार्टी की तरफ से आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और ये जो पीडीए की हमारी विचारधारा है, अभी हमारी चुनौती शुरू हुई है, क्योंकि अभी हमें जनता ने साथ दिया है, अब हमारा संघर्ष शुरू होगा। तो इसमें आपको और हमें जिस मजबूती के साथ हमने ये चुनाव लड़ा है, उसी मजबूती के साथ आगे भी अपने कदमों को बढ़ाना है। और ख़ासकर आपके प्रदेश में, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, और इस वक्त पार्टी जितनी मजबूती में है पूरे देश में, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आप लोग पार्टी को और आगे 4 चांद लगाने का काम करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा यहाँ इस्तकबाल किया और इतना स्वागत किया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।